राधे राधे फ्रेंड्स, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण का व्रत कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, भगवान सत्यनारायण की पूजा कैसे की जाती है। सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का ही प्रतीक है, आप इनको विष्णु भगवान के व्रत भी कह सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से मनोकामना अति शीघ्र ही पूरी हो जाती है, घर की कलह कलेश दरिद्रता खत्म होती है, घर में खुशहाली आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सुबह पूजा की जाती है, आप चाहो तो शाम को भी कर सकते हैं। तो मैंने ये चौकी लगा करके और विष्णु भगवान की आपके पास कोई भी तस्वीर या फिर मूर्ति है, कुछ चावल रख करके उसके ऊपर विराजमान कराइएगा। तो मैंने ये कलश ले लिया है, आप कोई भी एक कलश ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, तावे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। उसमें कुछ चावल के दाने रखने हैं, आपको जल से वो कंठ तक भरना है और कुछ चावल रख करके उसके ऊपर हम इस कलश को स्थापित करेंगे। तो पहले हम इसके कंठ पर कलावा बांध देंगे। कलावा आपको अवश्य बांधना है, कभी भी हम कंठ को खाली नहीं रखते हैं, कलश के कंठ को खाली नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप कलावा बांध करके और इसका पूजन कीजिएगा। मैं स्वास्तिक बना दूंगी। इस कलश पे आप जो स्वास्तिक बना रहे हैं वो हल्दी से, कुमकुम से, रोली से, किसी से भी आप बना सकते हैं। और आपने जो कलश के ऊपर कटोरी या फिर प्लेट जो भी आपने रखी है उसको हम चावलों से भर देंगे। आप ये बात हमेशा याद रखें, पूजा के लिए हमेशा हमें चावल साबुत इस्तेमाल करने हैं, प्रयोग करने हैं, हमें टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना है। तो इसको पूरा भर देंगे हम और उसके बाद हम पंच पल्लव लगाएंगे। अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आम के पत्ते लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते हैं तो अशोक के पत्ते लगा सकते हैं। अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते आप इस तरीके से कलश पर रख दीजिएगा, ये पूर्ण पात्र कहलाता है। और कुछ चावल के दाने रख करके आसन बनाकर और गणेश जी को स्थापित कीजिएगा। तो हमारी चौकी पूजा के लिए तैयार है। अब मैं पूजा के लिए दीपक तैयार कर लूँगी। पूजा के लिए हमें दीपक में घी का ही इस्तेमाल करना है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, आप चाहो तो पंडित जी से भी ये कथा करा सकते हैं, लेकिन हर महीने हम जो व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, तो आप खुद से ही घर पे आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो कलश में मैं गंगा जल डालना भूल गई थी, तो इसमें मैं गंगा जल आप लोग भी अवश्य डालिएगा। तो देखिए, हमारी ये चौकी पूजा की तैयार हो गई है। आप जितने भी आपने व्रत रखने के लिए बोला है, प्रभु से वो प्रार्थना कीजिएगा और बोलिएगा कि हमारे व्रत करने में आप सहायता करें। पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके सुबह पूजा की जाती है, आप चाहो तो शाम को भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये चंदन तिलक कर दूंगी, रोली का तिलक करूंगी पहले, उसके बाद चंदन का तिलक करना है। तो मैं पहले विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें सारे ही देवी देवता हैं, भगवान हैं, उनको तिलक करने के बाद मैं गणेश जी को तिलक किया, मैंने कलश को तिलक किया और दीपक को भी तिलक कर दिया है। मैं चंदन का भी तिलक करूँगी। तो मैंने ये चंदन ले लिया है, इसको घिस करके विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को, सबको लगा दूंगी। सत्यनारायण भगवान की पूजा घर के सभी सदस्य मिलके कर सकते हैं और खासकर पति पत्नी अगर इस पूजा को साथ में मिलकर करते हैं तो उसका बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन सारे दिन व्रत रख करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है। पहले आप भोजन ग्रहण करने से पहले जो आपने अपने भगवान को, सत्यनारायण भगवान को जो प्रसाद बनाया है, भोग लगाया है, उसको ग्रहण करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। तो देखिए, हमने शुद्धिकरण कर दी है, उसके बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप हमने कलावा धारण करा दिया है और
ये हम सत्यनारायण भगवान को भी हम कलावा धारण करा देंगे वस्त्र के रूप में, और हमने कलश को पहले ही कलावा धारण करा चुके हैं। अब हम सत्यनारायण भगवान को फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद गणेश जी को चढ़ाएंगे और कलश पर रखेंगे। कलश हमेशा हमें जिस दिशा में हम बैठे हैं, जिस दिशा में हमने तस्वीर रखी है, उसके सीधे हाथ की तरफ हमें कलश स्थापित करना है। हमेशा आप ये बात याद रखें, जो आपने चौकी लगाई है उसके सीधे हाथ की तरफ आपको कलश स्थापित करना है। हमने तुलसी दल चढ़ा दिया है श्री सत्यनारायण भगवान को, और उसके बाद सभी में फूल अर्पण कर दिए हैं। मौसम के अनुसार आप कोई भी फल ले सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप आटे की पंजीरी बना करके उसका भोग जरूर लगाइएगा। सत्यनारायण भगवान को पंजीरी का भोग लगाया जाता है, पंचामृत का भोग लगाया जाता है, तो मैंने ये पंचामृत और पंजीरी बना करके रखी है। पूजा अर्चना करने से पहले आप ये प्रसाद अवश्य बना के रखें। तो गणेश जी के लिए हम थोड़ा सा भोग अलग लगाएंगे, क्योंकि इनको तुलसी अर्पण नहीं की जाती है और विष्णु भगवान को तुलसी अर्पण की जाती है, तो उनकी भोग में हमने तुलसी रखी है, गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखी है। और कुछ दक्षिणा हम रखेंगे। दीपक जला करके हम आगे की पूजा शुरू करेंगे। और सत्यनारायण भगवान की मैं पूजा करूं और अपने लड्डू गोपाल को भूल जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने अपने प्यारे को बिठा दिया है, लड्डू गोपाल आके विराजमान है। हमने इनकी पूजा अर्चना पहले ही कर ली थी, तो इसलिए तिलक करके पुष्प अर्पण कर देंगे इनको और आगे की पूजा शुरू करेंगे। तो कथा पढ़ने के लिए मार्केट में पूजा की दुकानों पर आपको बहुत आसानी से पुस्तक मिल जाएगी, जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा लिखी हुई होती है। तो आप सभी लोग जो लोग व्रत रखते हैं, इस तरीके की किताब आप अवश्य ले लें। पुस्तक का भी तिलक करके अपनी पूजा आरंभ करेंगे, कथा आरंभ करेंगे। तो देखिए, आप पूजा शुरू करने से पहले अपने हाथ में, सीधे हाथ में कुछ चावल और पुष्प लेकर ही कथा श्रवण कीजिएगा। तो देखिए, मैंने सीधे हाथ में अपने कुछ चावल और कुछ पुष्प ले रखे हैं। तो इस तरीके से आप चावल और पुष्प ले करके कथा श्रवण कीजिएगा। अगर आपके घर में कुछ सदस्य हैं तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए उनके अपने पास बिठाइएगा। और हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, पूजा करने से पूर्व आप किसी आसन पर बैठकर ही अपनी कथा सुनिएगा, कथा कहिएगा, पूजा कीजिएगा। तो उसके बाद हमने कथा पढ़ ली है, जो हमने पुष्प और चावल अपने हाथ में रखे थे वो विष्णु भगवान को चढ़ा देंगे। उसके बाद हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद में विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम क्षमा याचना करेंगे कि हमसे कोई भी गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। और मनोकामना जो भी आपने मांगी है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रभु से विनती कीजिएगा। भगवान सत्यनारायण का व्रत करना बहुत ही सरल है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर किसी की चुगली नहीं करनी है, और सुबह में पूजा की जाती है, कथा की जाती है, और प्रसाद में आटे की पंजीरी बना करके विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है, पंचामृत बनाया जाता है, और शाम को आप सात्विक भोजन बना करके उसका भोग लगा करके तभी भोजन ग्रहण करें। चंद्रमा निकल आए, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद भोजन किया जाता है, और जो प्रसाद आपने पंजीरी का भोग लगाया है उसको ग्रहण करने के बाद आप अपना सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा। किसी कारणवश अगर सुबह में पूजा आप नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को भी पूजा कर सकते हैं, शाम को पूजा कथा कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, कथा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं हर पूर्णिमा को, पूर्णिमा तिथि को सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करती हूँ, पूजा व्रत करती हूँ। तो देखिए, बहुत ही आसान विधि है सत्यनारायण भगवान की पूजा करना, व्रत करना। और आप पूजा पूर्ण होने के बाद में रात को चंद्रमा निकलने के पश्चात में ये जो जल रखा है लोटे में, ये लोटे का जल हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे।
उसके बाद जो हमारा बड़ा वाला कलश है, लोटा रखा हुआ है, उसको तुलसी या फिर पौधे में सुबह डाल देंगे। हमें ये चौकी शाम को नहीं हटानी है, जैसे आपको सुविधा लगे आप रख सकते हैं। आप शाम को हटाना चाहो हटा सकते हो, जैसे किसी के घर में जगह की प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और देखिए, जो मैंने भोग लगाया है उसको भी आप घर के सदस्यों को बांट सकते हैं। जो आपने फल अर्पित किए हैं भगवान को, उसको भी आप घर के सदस्यों को बांट दीजिएगा। और ये जो पुष्प हमने चढ़ाए हैं, ये कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकने हैं। आप तुलसी या फिर गमले में या फिर क्यारी में आप कहीं भी रख सकते हैं। और जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है, आप ये किसी बच्चे को या फिर मंदिर में दे के आ सकते हैं, या फिर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए इन पैसों को पूजा करके उसमें मिला करके कुछ भी वस्तु या फिर कुछ भी ड्रेस लेकर के आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्ण होती है। चंद्रमा निकलने पर अर्घ दे करके हम अपना व्रत पारण यानी व्रत खोलते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।